गुज़श्ता हफ्ते भी मोदी सरकार की इंतहा पसंदी अपनी हदों को छूती रही। सेकुलर भारत का ये तासुब पाकिस्तानियत पर भड़कता नजर आया। सबसे पहले पाकिस्तानी स्क्वाश के खिलाड़ियों को भारत में मुनक्किद एशियन सीनियर स्क्वाश चैंपियनशिप से जबरदस्ती रोका गया। कम ज़र्फ मोदी सरकार ने 4 पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया। हम लोग डिसहार्ट होते हैं कि हम लोग जो है इंडिया को इतना वेलकम कर रहे हैं और जब हमारी बारी आती है हमारे प्लेयर्स की जाने की या हमारे लोगों की जाने की बारी आती है तो वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। बात सिर्फ स्क्वाश गेम तक ना रुकी बल्कि भारत ने अपनी दुश्मनी पाकिस्तानी पहलवानों पर भी निकालना शुरू कर दी और पाकिस्तान रेसलिंग टीम को भी भारतीय वीजा देने से इनकार कर दिया। वाज़ह रहे गुज़श्ता साल जूनियर हॉकी टीम को भी भारत ने वीजे जारी नहीं किए थे और पासपोर्ट भी दबा लिए थे जिससे पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हॉकी टीम को नहीं मिला, इंडिया ने वीजा नहीं दिया, कबड्डी को नहीं मिला। इवन चले हम अपनी बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तानी जो हांगकांग में बैठे हुए हैं जो वहाँ से अप्लाई करके बैठे हुए थे इस एशियन चैंपियनशिप में जाने के लिए, फयाज हो गए, फहीम हो गए, उनको भी नहीं मिला। दूसरी तरफ भारतीय बिजनेसमैन सचिन जिंदाल को बगैर किसी रोक टोक के एक दिन में पाकिस्तानी वीजा जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बरक्स भारत की तंग नजरी पाकिस्तानी मासूम बच्चों को भी बर्दाश्त ना कर सकी। भारतीय गैर सरकारी तंजीम रूट्स टू रूट ने एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के वफ्द को दौराए भारत की दावत दी थी जिस पर 11 से 15 साल की उम्र के तालिबे इल्मों पर मुश्तमिल 50 रुकनी वफ्द नई दिल्ली पहुँचा। लेकिन भारतीय वजारत खारजा की मदाखलत के बाद पाकिस्तानी वफ्द को गैर निसाबी सरगर्मियों के बगैर ही वापस लाहौर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बच्चों के साथ भारत का ये रवैया कोई नई बात नहीं, मगर इन वाकियात में ये तेजी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत तहरीके आजादी कश्मीर की हालिया लहर से बहुत खौफजदा है जिसका गुस्सा वो बार बार पाकिस्तानियों पर ओछे वार करके उतार रहा है।